बात कर लेते हैं 2005 में आई हुई विक्रम सर की मूवी अपरिचित के बारे में। अब देखो यार, कई लोगों ने अपरिचित देखी है, कई लोगों ने नहीं देखी, तो अगर आप सभी लोगों ने अपरिचित मूवी नहीं देखी तो एक बार YouTube पे देख लेना, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी हिंदी में। तो बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो यार इस मूवी में जो एक्टिंग थी बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग थी, मेरे को तो बहुत पसंद आई ये मूवी। और ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी और विक्रम सर तो यार मैं फेवरेट हूँ, मतलब मैं उनका फ़ैन हूँ। और इस मूवी तो मेरे को उनको कुछ ज़्यादा ही फ़ैन बना दिया। तो अगर आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी तो आप सभी लोगों को याद होगा कि इसमें जो अंबी नाम का बंदर रहता है उसे दो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहते हैं, जिसमें वो अलग अलग पर्सनैलिटी में चला जाता है। जो काम वो खुद नहीं कर सकता वो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी, दो पर्सनैलिटी अलग अलग काम करती है। एक पर्सनैलिटी का नाम है रेमो और दूसरी पर्सनैलिटी है अपरिचित। अब देखो अंबी की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। अब देखो परेशानी तो नहीं लेकिन हर एक बात को दिल पे ले लेता है, जैसे कि ट्रेन में साफ खाना नहीं मिलना, टॉयलेट क्लीन ना होना, रोडों का डैमेज होना, बिजली विभाग का ढंग से काम ना करना, ड्राई डे के दिन दारू बिकना, ऐसी कई सारी चीज़ें रहती है जिसके कारण वो परेशान होता रहता है। और वो सबसे बड़ा सदमा उसको तब लगता है जब उसकी बहन मरती है बचपन में, और वो भी किस कारण, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लोग ढंग से काम नहीं करते, जैसे कि रोडों में गड्ढे होने के कारण बारिश का पानी जमा होना, बिजली विभाग के ढंग से काम ना करने पे एक तार का टूटना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम भी परेशान होता है। उसमें एक सदमा लग जाता है कि उसकी बहन बचपन में ही गुजर चुकी है, जो कि वो काफ़ी रोता है उस मूवी में, अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपरिचित के बारे में। अगर आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी तो अपरिचित का नाम तो सुना ही होगा, जो कि इस मूवी का टाइटल है अपरिचित। तो देखो अपरिचित इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है, क्योंकि अंबी जो काम नहीं कर सकता अपरिचित उनको सब कामों को करता है, उसके नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, उसके नज़र में अगर 5 पैसा भी चुराओ तो वो भी एक्स्ट्रा लार्ज गलती मानी जाएगी। बात कर लेते हैं इस मूवी के सबसे मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है अपरिचित। अब वो देखो यार सबको, किसी को तेल में भूनता है, किसी को जोंक से कटवाता है, किसी को सांप से कटवाता है, ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग सजाएं देता जाता है गरुड़ पुराण के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, वो जिस सज़ा को देता है उस सज़ा का वहाँ पे नाम लिख के आता है जहाँ पे वो सज़ा देता है। तो इस मूवी का सबसे बेस्ट कैरेक्टर वो है। दूसरी बात अपरिचित का एक्शन, जैसे बिल्डिंग से कूदना और बहुत सारे कुंफू मास्टर के साथ लड़ाई करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपरिचित अकेले कर सकता है। पुलिस वाले के साथ लड़ना, बर्फ़ में जमे रहने के बाद फिर निकलना, जो कि बहुत ज़्यादा है। और सबसे मेन बात, जो इसमें जो हीरो है ना, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। हर कैरेक्टर, जैसे अपरिचित का कैरेक्टर देख लो, रेमो का कैरेक्टर देखो, हर कैरेक्टर में बिल्कुल भाई साहब ऐसे घुसे पड़े कि मैं तो इनका जबरा फैन हो गया। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्शन सीन के बारे में, जो कि हर एक सीन आइकॉनिक, अपने आप में आइकॉनिक है। मैंने सुना जो इसमें कुंफू वाला सीन है उसमें 500 कैमरे का इस्तेमाल किया गया है इस मूवी को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि 2005 के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही वो है। अब देखो यार इस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं उन सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। अब उनका रेमो कैरेक्टर देखो, जो कि नंदिनी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये मेरे को बहुत पसंद आया, जो कि नंदिनी के लिए कुछ भी कर सकता है, और नंदिनी को देख के रेमो बाहर आ जाता है। अब इस मूवी में अंबी को दो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, अब दोनों कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट बैठे हुए हैं। पहले कैरेक्टर आता है रेमो, जो कि नंदिनी को देख के बाहर आ जाता है और प्यार भरी बातें करने लगता है, सबने देखी होगी तो याद होगा। दूसरा कैरेक्टर आता है अपरिचित, जो कि जितनी भी अंबी की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ उन सबको ठीक करना चाहता है, और पूरी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, जितने भी ये सारे इन सबको सुधारना चाहता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी करता है। अगर आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी तो उसने लास्ट में अपना चेहरा दिखा के बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था लोगों को, कि अगर 5 करोड़ लोग करें तो कितने करोड़ बनते हैं। तो यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और हाँ यार, इतनी दूर तक वीडियो देखते देखते आए हो तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।